बच्चे को हटाओ हिलाए ना। आदरणीय महासचिव जितेंद्र सिंह जी, रिपुन भोला जी, देवव्रत साइकिया जी, गौरव गोगोई जी, रानी नारा जी, सुष्मिता देव जी, अनुमय दास जी, रेखा जी, स्वप्न तटी जी, मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो यहाँ कुछ देर से मेरा इंतजार कर रही हैं, आप सबको इस सभा में बहुत बहुत स्वागत और बहुत 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 धन्यवाद कि इतने समय से आप मेरा इंतजार कर रही हैं। शुरू में मैं सबसे पहले जय आई अहम बोलना चाहती हूँ। मेरे साथ एक बार और बोलिए, जय आई अहम, जय आई अहम, जय आई अहम। ये नारा कहता है कि माँ असम की जय। तो माँ शब्द का मतलब क्या है, आप सब अच्छी तरह जानती हैं कि जो माँ होती है वो जितना प्रेम करती है, जितना प्यार करती है बच्चों को, उससे ज्यादा शायद कोई नहीं कर सकता। माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है, उनका भविष्य मजबूत देखना चाहती है और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है। तो यही है आपकी माँ असम प्रदेश, आपकी मातृभूमि जिसने आपको पाला, आपकी परवरिश की। आज जो चुनाव आया है उस चुनाव में आपकी माँ का अस्तित्व का सवाल उठा है, असम के अस्तित्व का सवाल उठा है। आज जब आप वोट देने जाएंगे तो सोच समझ के दीजिए, क्योंकि आप अपने प्रदेश के लिए, अपने असम के लिए वोट देने जा रहे हैं। आप सब के बच्चे होंगे, मेरे भी बच्चे हैं, आपकी तरह मैं भी अपने बच्चों का भविष्य मजबूत चाहती हूं। तो जब आप वोट देते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप समझें कि जिस राजनीतिक दल को आप चुनने जा रहे हैं, जिन नेताओं को आप आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्या वो नेता, वो राजनीतिक दल आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ऐसी नीतियां बना रहे हैं, कुछ ऐसे ठोस काम कर रहे हैं जिससे आपके बच्चे फूले फले और उनका भविष्य मजबूत बने। तो पिछले 5 सालों में आपने देखा है कि भाजपा सरकार में क्या किया गया। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आज भी गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, रोजगार 25 लाख का वादा दिया था लेकिन 25 लाख क्या 1 लाख रोजगार भी नहीं मिले। आज चुनाव से पहले महिलाओं को स्कूटर बांट दिए जा रहे हैं लेकिन 5 सालों में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आपके जो SHG ग्रुप हैं वो भी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के शासनकाल में शुरू किए गए। इन ग्रुपों के जरिए आप सबने थोड़ा थोड़ा अपना पैसा जमा किया और कमाया और आज भाजपा सरकार की ये स्थिति है कि वे बड़े बड़े उद्योगपतियों के 50,000 करोड़ तक कर्ज माफ कर सकते हैं लेकिन आपके कर्ज माफ नहीं करते, आपके लिए कुछ काम नहीं करते। चाय के बगान में भी मजदूरों की यही हालात है कि बहुत थोड़ा, बहुत कम वेतन बढ़ाया गया है 5 सालों में। और आपने सुना होगा कि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो 365 वेतन 365 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। आप सब जानते हैं कि आपके जीवन की स्थिति क्या है। आप संघर्ष, प्रियंका गांधी डांगरियानिया ही हमार मजद उपस्थित होइसे, हमार कर्मी सकलक राइजक साहस दिवर मनोबल दिवर বিজেপি RSSক উত্থাপ করবলৈ আৰু তেখেতে প্ৰথমে আজি আহি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ আগতে গুৱাহাটীত মা কামাখ্যা মন্দিৰত গৈ তেখেতে আশীৰ্বাদ লৈছে মা কামাখ্যাৰ। আশীৰ্বাদ লৈছে কাৰ কাৰণে? অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ কাৰণে তেখেতে আশীৰ্বাদ লৈছে।
আর আশীর্বাদ লওয়ার পাছত আমি লক্ষিমপুরের পড়া আজি এনে ধরনের প্রচার চলাই আহি গহপুর পাইছোহি। মই আর দীঘলিয়া একো নক, আমার গহপুরত আমার প্রত্যেকগারী আজি আপনার মহিলার সমাবেশ দেখি আজি প্রিয়ঙ্কা জি অতি আনন্দিত হয়েছে। আর প্রত্যেকে আমি একগারী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী হব লাগিব, আমি প্রত্যেকেই একগারী কনকলতা হব লাগিব। মই সকলকে ধন্যবাদ জানালো। আর এতিয়া মই প্রথমতে আত্মসহায় গোটর এগারী শ্রীমতী রেখা পাই আত্মসহায়, মই আপনার অনুরোধ করছি আত্মসহায় গোটবিলাকে নিজের নিজের প্লে কার্ডবিলাক দাঙি দেখাই দিয়ক। আত্মসহায় গোটবিলাকে নিজের প্লে কার্ডবিলাক দাঙি দেখাই দিয়ক, প্লে কার্ডবিলাক দাঙি দেখাই দিয়ক। আপনার গোটবিলাকে অনে নিজের আইডেন্টিটি প্লে কার্ড দাঙি দেখাই দিয়ক। রেখা পাই আমার দফলাগড় বাগানের আত্মসহায় গোট মরমী আত্মসহায় গোটর সম্পাদিকা রেখা পাইক মই দুআষাৰ কবলে অনুরোধ করছো আত্মসহায় গোটর হয়ে। আজ আশা কঠিন কথা তো নেই চাপিও, ফির আমাদের ভারত কি যে জেনারেল সেক্রেটারি নিখিল ভারত কংগ্রেস কে যে নিখিল হম লোক যে সেক্রেটারি হ্যাঁ জেনারেল সেক্রেটারি হমারে দিদি প্রিয়ঙ্কা গান্ধী জি সে প্রণাম করতে হুয়ে আর হমারে গহপুর কি নেত্রী কংগ্রেস নেত্রী কংগ্রেস নেত্রী আর হমারে রিপুন বরা দেব কো ভি নতমস্তক প্রণাম করতে হুয়ে মনিকা বরা কো ভি প্রণাম করতে হুয়ে সারে হমারে কংগ্রেস কে কর্মকর্তাও সে লেকে মেরে গহপুর বাসী মেরে পিতৃ মাতৃও সবি কো নতমস্তক বারংবার প্রণাম। লেটেস্ট আপডেট আর খবরों কে লিয়ে টিভি ওয়ান ইন্ডিয়া কো সাবস্ক্রাইব করে আর নোটিফিকেশন পানে কে লিয়ে বেল আইকন কো দবানা মত ভুলে।